9 फरवरी का 6 ग्रह योग जब एक साथ आ जाएंगे, सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बुध, शनि और शुक्र, तब शनि चंद्रमा का विष योग, गुरु चंद्रमा का गज केसरी राज योग, शुक्र चंद्रमा का कलात्मक योग, शनि सूर्य का विध्वंसक योग किन लोगों की जिंदगी बना देंगे, किन लोगों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य महेश शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो एक बार फिर हरिद्वार से हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रह नक्षत्रों के बदलते राशि परिवर्तन, यानी कि जब जब ग्रह नक्षत्र अपनी स्थिति बदलते हैं तो किस प्रकार व्यक्ति की कुंडली में, उसकी जिंदगी में, देश दुनिया में क्या क्या बदलाव लेकर आते हैं वो हम आपको बताते हैं। लेकिन इस बार आज का कार्यक्रम 6 ग्रही योग पर पूरी तरह से आधारित है। जी हाँ, इस 9 फरवरी को 6 ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। रात्रि के दौरान 6 ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि जब एक साथ आ जाएंगे तो 12 की 12 राशियों को किस तरह से प्रभावित करेंगे, ये 6 ग्रह आपकी जिंदगी में क्या बड़े बदलाव ला सकते हैं, क्या बड़ी उथल पुथल मचा सकते हैं, इनका शुभ अशुभ परिणाम किस प्रकार आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है, ये हम मयंक जी से आज जानेंगे। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले मयंक जी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब 6 के 6 ग्रह जो कि इतने पावरफुल ग्रह हैं, कोई छोटे मोटे ग्रह नहीं है, जब ये एक साथ आ रहे हैं और 6 ग्रहियों का निर्माण कर रहे हैं तो इसका जो परिणाम है शुभ अशुभ कौन सा ज्यादा रहेगा? देखिए, जब भी इस तरह के ग्रह बनते हैं, 2 से ज्यादा ग्रह जब एक साथ मिलकर बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना शुभ या अशुभ फल की वृद्धि कर देंगे जी। अब देखिए, जैसे अगर 3 ग्रह है, सूर्य है, बुध है, बृहस्पति है और चंद्रमा है, जब ये ग्रह एक साथ बैठते हैं 4 ग्रह, तो इतना ज़्यादा परेशानी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब योग निर्माण होता है कि शनि सूर्य साथ इकट्ठे बैठ गए हैं और या फिर गुरु साथ में या केतु साथ में बैठ जाए, तो फिर शुभ और अशुभ योगों का निर्माण होता है। ऐसे इस समय पर मकर राशि में 9 फरवरी के दिन तकरीबन रात के 8:30 बजे के बाद ये योग बन रहा है, यानी कि चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद मकर राशि में 6 ग्रह योग बन जाएगा। जैसे आपने बताया कि सूर्य भी वहीं बैठ गए आके, चंद्रमा भी वहीं आ गए हैं, बुध भी वहीं हैं और बृहस्पति भी वहीं हैं और साथ साथ शुक्र भी और शनि भी, यानी कि क्या क्या शुभ और अशुभ योग बनेंगे। देखिए, शनि चंद्रमा का विष योग बन रहा है, गुरु चंद्रमा का गज केसरी राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, शुक्र चंद्रमा का कलात्मक योग भी बन रहा है और शनि और सूर्य का एक विध्वंसक योग भी बन रहा है, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ इकट्ठा जब बैठते हैं तो कहते हैं कि अप्रिय घटना को अंजाम देते हैं, शुभ नहीं माना जाता है और इसलिए एक घर में बैठ के ये कभी भी एक दूसरे के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं और राशियों वार भी ये शुभ और अशुभ फल का निर्माण करते हैं। तो 6 ग्रह योग से इसका असर आने वाले काफ़ी समय तक भी रहेगा और कुछ ना कुछ तो इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हर राशि के ऊपर पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कोई ऐसा योग नहीं है कि इस 6 ग्रह योग में कोई राहु या केतु भी शामिल है, अगर वो ग्रह शामिल हो जाते तो वो और भी खतरनाक साबित होता। जैसे अगर आपको याद हो कि हमने जिम कॉर्बेट से एक स्पेशल वहाँ पर प्रोग्राम किया था 26 दिसंबर 2019 को, जो सूर्य ग्रहण पड़ा था जो कि धनु राशि में था, जो साल 2020 का था, बिल्कुल, तो वो कितना भारी वो ग्रहण था। उसके बाद ये 2020 में कोरोना वायरस आया और कितना बीमारी बड़ी फैली, कितना नुकसान हुआ पूरे विश्व को। 26 दिसंबर 2019 को हम एंड में किया था, बिल्कुल, और उसका असर देखे ना पूरे साल रहा 2020, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि वो बहुत ही अशुभ योग था जिसका नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा। हालांकि ये योग भी नुकसानदायक रहेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए ज्यादा नुकसानदायक रहेगा और कुछ राशियों को ये बहुत शुभ फल भी देगा। यहाँ पर शुभ और अशुभ दोनों फलों का निर्माण होगा, यानी कि इस योग, जिस दिन ये योग रहेगा और चंद्रमा, क्योंकि 9 फरवरी से लेके और 11 फरवरी देर रात तक इसी राशि में रहेंगे, मकर राशि में, तो इन 2-3 दिन में मानसिक तनाव लोगों में ज्यादा रहेगा और चिंता और अनिद्रा की समस्या, घबराहट, तनाव, ये कुछ ज़्यादा समस्या लोगों को देखनी पड़ सकती है, यानी कि लोग थोड़े से स्ट्रेस में रहेंगे, बेचैन जरूर रहेंगे समय के दौरान। बिल्कुल। और देखिए, अब जो कि जैसे कि मयंक जी ने बताया ना कि ये नहीं कह सकते भाई अगर किसी योग का निर्माण हो रहा है तो हमेशा अशुभ फल ही देखे जाएगा, क्योंकि हर प्रत्येक राशि पर योग का अपना अपना
प्रभाव पड़ता है। और आइए राशि अनुसार जान लेते हैं कि भाई इस छह ग्रह योग का निर्माण किन राशियों को थोड़ा सा कष्ट देके जा सकता है और किन राशियों को राहत और किन राशियों को शुभ परिणाम। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम मेष राशि की। मेघ जी, देखिये मेष राशि वालों के छह ग्रह योग जो पड़ रहे हैं वो दशम भाव में पड़ रहे हैं, और दशम भाव में ये कहते हैं कि जितने ग्रह होते हैं उतना अच्छा राजयोग बनता है जी। तो आपके लिए यहाँ पर नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है इस छह ग्रह योग में शनि और गुरु के कारण, और तो इस योग के कारण आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी, आप अपने कार्य में पूरे सफल होंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या सावधान रहने की जरूरत है, यहाँ क्रोध की अधिकता रह सकती है, आपके कार्य क्षेत्र में रुकावटें भी आ सकती हैं, यानी कुछ अड़चनों के साथ सफलता मिलेगी। आपके क्रोध की अधिकता के कारण आपके अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, बॉस के साथ या कलीग्स के साथ रिलेशन भी खराब हो सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। रिश्तों को संभालना आपके लिए यहाँ बहुत ज़रूरी होगा, वरना चीज़ें खराब हो जाएंगी। और कहना कि अति उत्साह से भी आपको बचना होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। कुछ थोड़ा धैर्य बनाकर रखेंगे, कुछ सावधानी बरत के चलेंगे, तो ये कोई बड़ी परेशानी आपके लिए नहीं रहने वाली है। मैं ये वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए वृषभ राशि वालों के भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे, काम कारोबार उनका भी बहुत अच्छा रहेगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आए दिन उनको जो कामों में रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। कोई अगर आपका कोर्ट कचहरी का मसला था तो वो भी आपके पक्ष में फैसला आने वाले समय में आएगा, तो ये आपके लिए योग बहुत शुभ रहेगा। लेकिन यहाँ आपको आपके पिताजी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए, पिताजी का आशीर्वाद दें, और अपने वरिष्ठ जनों के साथ, घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ, चाहे माँ बाप हों चाहे दादा दादी हों, उनके साथ व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेंगे तो ये योग आपको बहुत ही शुभ फल देगा। इस छह ग्रह योग में बुध भी शामिल है, तो मिथुन के लिए कैसा रहेगा? देखिए मिथुन राशि वालों के ये योग जो अष्टम भाव में पड़ रहे हैं, और अष्टम भाव में इस योग के पड़ने के कारण यहाँ आपको स्वास्थ्य चिंता रह सकती है, मानसिक तनाव थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा इस समय, आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बड़ा सजग हो जाना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ, मानसिक तनाव, स्ट्रेस इत्यादि आपको परेशान कर सकता है। बैंक जी कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए काम कारोबार के योग बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी, धन लाभ भी होगा, लेकिन जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखें और उनके साथ संबंधों में कोई टकराव इस समय हो सकता है, थोड़ा सावधानी पूर्वक समय बिताकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, खासकर गृहस्थ जीवन को लेके काम कारोबार के लिए, धन लाभ के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जिनके सूर्य स्वामी है यानी कि सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए छठे भाव में ये योग बन रहा है, तो आपको इस समय रोग ऋण शत्रु से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, आपको इस समय परेशानियां, कोई बीमारी कोई व्याधि अचानक से उभर के सामने आ सकती है, खान पान पर संयम बरतेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी राशि का स्वामी भी छठे भाव में इस समय है, तो ये भी इतना शुभ नहीं माना जाएगा, ये समय आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक बिताना चाहिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें और जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। कन्या राशि के लिए? कन्या राशि वालों के लिए ये योग काफी अच्छा रहने वाला है, आपकी संतान की तरक्की होगी, भाग्य में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं, धन लाभ भी होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी। मैं जी तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ देकर जा रही है? देखिए तुला राशि वालों के लिए ये योग जो बड़ा मिला जुला रहेगा, घरेलू परेशानियों से आप इस समय जूझते रहेंगे, व्यर्थ के वाद विवाद आपको इस समय टालने चाहिए तो आपके लिए बेहतर होगा, मानसिक तनाव से इस समय आपको बचना चाहिए, काम कारोबार की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आलस से और लापरवाही को त्यागना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। चलिए ये तो अब तक हमने जाना है कि भाई मेष राशि से लेकर तुला राशि वाले जातकों पर खास तौर पे इस छह ग्रह योग का निर्माण किस तरह से प्रभावित करने वाला है। अब तुला के बाद आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये योग क्या कुछ ला रहा है। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये योग उनके पराक्रम में वृद्धि करेगा, मान सम्मान की वृद्धि करेगा, धन लाभ भी होगा, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन क्रोध की अधिकता से आपको बचना चाहिए और मानसिक तनाव से भी बचें, अन्यथा आपके जो बनते बनते काम इस समय बिगड़ सकते हैं। तुला वृश्चिक के बाद आगे चलते हैं तो धनु राशि की बात करते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए ये योग जो है हम कहते हैं कि धन लाभ के संकेत दे रहा है, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, इस समय आपके विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, कोई नया रिलेशन भी शुरू हो सकता है, लेकिन वही बात है कि सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, खान पान से संबंधी इस समय दिक्कतें हो सकती हैं, उल्टी दस्त इत्यादि की समस्या से भी इस समय आप परेशान रह सकते हैं, थोड़ा सावधान रहिए। मैं जी अगली राशि है शनि की राशि मकर, और इस योग में शनि भी शामिल है, क्या लगता है? देखिए इन्हीं की राशि में ये छह ग्रह योग बन रहे हैं, इस समय इनकी राशि को मिले जुले परिणाम मिलेंगे, यानी कि इस समय क्या रहेगा, काम भी आपका बनेगा लेकिन कुछ अड़चनों के साथ आपको सफलता मिलेगी, मन में कुछ तनावग्रस्त स्थिति बन सकती है क्योंकि लगन में आपके शनि और चंद्र का विषयोग होगा, गुरु चंद्रमा का गजकेसरी राजयोग भी होगा, यानी कि जितना ज्यादा आप धार्मिक रहेंगे उतना ही आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी,
काम कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी है, ये व्यवसाय में लाभ होगा। जो लोग मीडिया फील्ड में है, सॉफ्टवेयर लाइन में है, डॉक्टर है या वकील है, उनके लिए ये योग बहुत अच्छा रहेगा। शनि की अगली राशि कुंभ कहलाई जाती है, तो उनके लिए क्या कुछ है? कुंभ राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 12वें भाव में यानी कि हम देखें 12वां भाव खर्च का होता है, वहाँ 6 ग्रही का योग बन रहा है, तो खर्च की अधिकता इस समय रह सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। कोर्ट कचहरी का मामला कोई इस समय उठ सकता है, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कंट्रोवर्सी से जितना दूर रहेंगे कुंभ राशि वाले, वो उनके लिए अच्छा है। सोच समझ कर खर्च करेंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, कफ कोल्ड इत्यादि समस्या इस समय आपको कुछ ज्यादा परेशान कर सकती है। मयंक जी, मीन राशि के लिए? मीन राशि वालों के लिए ये योग काफी अच्छा रहेगा, उनको धन लाभ के संकेत दे रहे हैं, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, बड़े भाई की भी आपकी तरक्की होती हुई नजर आ रही है, संतान की तरफ से भी कोई ना कोई गुड न्यूज आपको जरूर मिलेगी। तो मीन राशि वालों के लिए ये योग काफी अच्छा रहेगा, कोई किसी तरह की बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। देखिए, ये जो हमने आपको मेष से मीन राशि वालों का गोचर बताया है, ये चंद्रमा पर आधारित है, चंद्र राशि पर ये गोचर है, जैसे हम दर्शकों को बताते आते हैं। इस 6 ग्रह योग के दौरान क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, 6 ग्रह योग में इस समय आपको मानसिक तनाव थोड़ा रह सकता है, व्यर्थ के वाद विवाद, घरेलू कलह, झगड़ा इत्यादि, ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं, कोई दुर्घटना भी हो सकती है, तो सावधान रहें। अब जैसे हमने थोड़ा सा अलर्ट किया है कि मिथुन राशि वाले थोड़ा इस दौरान सावधान रहें, उनकी सेहत संबंधी कोई परेशानी आ सकती है, ऐसे ही सिंह राशि वालों के लिए भी हमने एक अलर्टनेस बताई है कि सिंह राशि वालों को भी थोड़ा इस समय सावधान रहना चाहिए, अन्यथा उनके लिए परेशानी आ सकती है। ऐसे ही कुंभ राशि वालों को, इनको भी थोड़ा इस समय सावधान रहना चाहिए, और तुला राशि वालों को भी अपना थोड़ा सेहत को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। यानी कि इस 6 ग्रह योग में आपको क्या करना है कि व्यर्थ के वाद विवाद से बचना है, मानसिक तनाव से बचना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके संयम से काम लें, और तनाव से मुक्ति पाने के लिए योग का सहारा लें और ईश्वर की आराधना करेंगे तो आपको सभी कष्टों से इस समय मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए ना, हमारा जो मकसद होता है वो यही होता है कि जब जब कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, या फिर कोई भी जब 3 से 4, 4 से 5 या 6 या 7 ग्रह आपस में आ जाते हैं, तो भले ही थोड़ी बहुत उथल पुथल मचाते हैं, लेकिन कई लोग डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी ये हमेशा कोशिश रहती है कि हम आपको डराने के बजाय आपको सतर्क कर सकें, ताकि आप सावधान रहें उस दौरान। और देखिए, ये हमने आज मयंक जी से जाना है कि भाई खास तौर पर 9 फरवरी को बनने वाला ये 6 ग्रह योग किस तरह से आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकता है, और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और इसी के साथ आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है प्लीज़ बताइए, कोई भी सजेशन हो प्लीज़ दीजिएगा, और कोई भी सवाल जवाब अगर आपको पूछने हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए मयंक जी से सीधा संपर्क कीजिए। कॉल नहीं उठा पाते तो मैसेज छोड़ दीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और तब तक के लिए हरिद्वार से हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार।